हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बेबी टुक टुक व्लॉग पर। फ्रेंड्स, अभी आप देख पा रहे होंगे मैं कुरकुरे बना रही हूँ। ये लाए थे हम रायगढ़ से। रायगढ़ के पास में पड़ता है कोड़ा तराई, तो कोड़ा तराई से इसको हम लेके आए थे। ये कुरकुरे वहीं पर मिलती है और कहीं पर भी नहीं मिलती, और ये मुझे बहुत पसंद है। बाबू को भी बहुत पसंद है। घर पर भी, मतलब मेरे मायके वाले भी इसको लेके आते रहते हैं। जब भी रायगढ़ जाते हैं लेके आते हैं और बना के खाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। जो हम कुरकुरे खाते हैं ना, उससे भी अच्छा लगता है मुझे। उससे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता टेस्ट, लेकिन इतना भी मतलब कंपेयर नहीं कर सकते फ्रेंड्स, क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छा लगता है। और जब हम अपने हाथों से कुछ भी चीज़ को बनाते हैं ना, तो वो हमें ज़्यादा स्पेशल हो जाता है हमारे लिए, बहुत टेस्टी भी हो जाता है। तो वही हाल है, ये अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कुरकुरे जो है वो पता नहीं कब से पैकिंग होके आता है, क्या क्या मिला रहता है, हमें क्या पता, बट हमारे आसपास में ही बनता है ये वाले कुरकुरे, और हमारे आसपास की चीज़ों से ही बनता है। खुद छान रहे हैं इसको, खुद उसमें मसाले डाल रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं और खा रहे हैं। तो इसमें ना एक अपनापन लगता है कि हमने बनाया है, लगता है हमने बनाया है कुरकुरे को, और इसलिए ज़्यादा स्पेशल हो जाता है, अच्छा लगता है। तो इसे मैं बना रही थी, मेरे बेटे को बहुत पसंद है। मैं तो चाहती ही रहती हूँ ना कि मार्केट का जो कुरकुरे होता है वो ना खिला के ये सब चीज़ को खिलाऊँ, अपने हाथों से कुछ बना के खिलाऊँ, तो मैं यही चाहती रहती हूँ। तो मैंने कुरकुरे बनाया, बेटा खाया। वेलकम बैक टू आवर चैनल जोहार। नमस्ते जी, श्री कृष्ण आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और हमने ना लंच वंच सब कुछ कर लिया है, नाश्ता कर लिया, लंच कर लिया, और अभी मैं रेडी हो रही हूँ, मतलब आप सबके सामने आने के लिए रेडी हो रही हूँ। आने के लिए नहीं, मैंने चोटी बनाया है ना, इसलिए सोचा कि मैं काजल भी लगा लूँ थोड़ा सा। सही में अच्छा, अच्छे दिखने से कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ हो जाती है, चली जाती है। तो अब ठीक है ना, अब अच्छी लग रही हूँ ना। अरे 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 अरे, ऐसे कैसे अच्छी लगूँगी, अभी मेरी टिक्की बाकी है, मैं टिक्की भी लगा लेती हूँ छोटी सी। हाँ बेटा, ओके बच्चा, आ रही हूँ। तो ये मैं टिक्की लगा लूँ, दिख भी नहीं रही है शायद, देखो लगाई है बट मैंने नहीं हुआ ना, अच्छे से करो। बाबा मेरा पॉटी कर रहा है, इसको वॉश करने जाना पड़ेगा। और मैं मिल्क का वेट कर रही हूँ, मिल्क बॉय का हमें चोटी बनाई है। देख बैक साइड दिखा, पहले ये वाली चोटी हमेशा बनाया करती थी, बहुत बनाया करती थी जब हम हॉस्टल में थे ना, तब मैं, मेरी फ्रेंड सब मेरा वाला देख के मेरा भी बना दो, मैं सबका बना दी थी, जो जो आके मुझे बोलती थी ना, सबका बना दी थी। अरे वाली चोटी बहुत अच्छी भी लगती है दिखने में, देखो कितनी बारीकी से बनाया मैंने, इसे भी और छोटी छोटी बनाती हूँ। काफ़ी पतली हो गई है ना मेरी बाल, ख्याल नहीं रखते हैं तो हो गई। ओके, तो मैं आप सबको कुछ बताने वाली हूँ, किसी मतलब किसी बेटर पर बात करने वाली हूँ, तो बात करेंगे थोड़ी देर में। मैं पहले बेटे को वॉश करा के आती हूँ, देन आप सबसे लंबी चौड़ी बातें करनी है। ओके, तो शाम हो चुकी है फ्रेंड्स, गुड इवनिंग आप सभी को। और कचौरी खाएंगे आप सब? ये ऐसी कचौरी नहीं है ना जिसके अंदर वो चीज़ें भरी रहती है, वो कचौरी नहीं है, बना बनाया कचौरी मीन्स अंदर में कुछ चीजें डाल के बनाते हैं, जैसे कि खट्टा मिठाई, जैसे वो रहता है ना, मैंने आपको बताया जहाँ फेमस कचौरी मिलती है हमारे यहाँ पे, एक जगह पे, हमारे घर पे नहीं, यहाँ हमारे शहर में छोटी सी फोल, मंटू का फोल। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ अच्छा लगता है यस, गुपचुप जैसे है, गुपचुप जैसे ही है कुछ, जैसे ये रहता ना। तो ओके, दिखाएं आपको खाकर, बहुत अच्छे हैं। आप सबको जरूरी बात करना चाहती थी फ्रेंड्स, आप सबको बहुत ज़रूरी बात करना चाहती थी, लेकिन मेरे बेटे की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा था, और अभी मैं आई हूँ। वैसे इनके इसके पापा आए हैं ना घर पे, वैसे ही मैं भी साथ में आई हूँ, और अभी आप सबसे बात नहीं कर पाऊँगी फिलहाल, तो मैं जैसे ही फ्री होती हूँ ना, वैसे ही आप सबसे बात करती हूँ। ओके,
लल्ला क्या खा रहे बेटा? हमारे पास लौट क्या वो मुखा निकल गया। इधर देखिए क्या खा रहे हो आप, बताओ ना क्या खा रहे मालिक। हे गाइस गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी आप सबको देख रही हूँ मैं सिर्फ अपनी चोटी दिखाने के लिए। देखिए इधर से मैंने ऐसे उठाई किया है यहाँ तक, यहाँ पे मैंने क्लिप और एक छोटी सी क्लचर होती है ना वो लगाया है, और इधर से मैंने उठाई करा है साइड से चोटी, साइड चोटी और यहाँ तक। ये देखिए लंबी सी, यहाँ पे छोटा सा ये देखो, तो ये कैसे लग रहा है? कैसी लग रही हूँ मैं आज की चोटी में बताइएगा मुझे। और मुझे बहुत सारे हेयर स्टाइल आते हैं, बहुत सारे, तो अगर आप सब बोले ना तो मैं आप सबको शेयर करना चाहूँगी। और ये हैंडसम अभी यहीं पे बात कर रहे हैं, यहीं पे खड़े हो गए हैं और ऐसी बात कर रहे हैं। इतनी रात हो गई है और इनका कब ना बातें खत्म नहीं होती, किसी का भी कॉल आ गया मतलब बिजी होना जरूरी है। हे फ्रेंड्स, हे गाइस, तो अभी शाम हो चुकी है और हम बाहर गए थे ना अभी थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर कुछ कुछ सामान खरीदना था, तो हम देख लीजिए खाली सुना सुना है। कल हमारे घर में बहुत भीड़ होने वाली है क्योंकि पूरे घर वाले आ रहे हैं। यहाँ कल शिवरात्रि है ना, आई मीन ये वीडियो आपको कब जाएगी, ये वीडियो कब जब भी जाए, शिवरात्रि के एक दिन पहले की वीडियो है आज। तो अभी मैं आटा गूंथ रही हूँ और आज हम सिर्फ 3 लोगों का खाना बन रहा है, कल बहुत सारे लोगों का खाना बनेगा क्योंकि सब लोग आने वाले हैं, घर वाले सभी लोग नहीं आएंगे, जिनको आते बनेगा, जो लोग आ पाएंगे वो सब आएंगे। तो कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, कल की शिवरात्रि वाले दिन की। तो आप सभी को एडवांस में शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड्स, बहुत सारी शिवरात्रि के दिन आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरे, बहुत अच्छे से गुजरे, आपका दिन शुभ हो। मेरा बेटा बीच में रोना स्टार्ट कर दिया था, अभी उसको थोड़ा सा डांटे हो और वो उसने क्या किया मेरे मुँह में आके थूक दिया, यार ऐसी बदमाशी कौन करता है बेटा, इसलिए थोड़ा सा डांट पड़ी है उसको। और अभी साइलेंट है वो, एक्चुअली ना जैसे हम अपने अपने फ़ोन में लग जाते हैं या फिर कहीं और हमारा ध्यान रहता है, उसके साइड ध्यान नहीं जाता, नहीं रहता है, और वो अकेले हो जाता है ना तो उसको लगता है अटेंशन पाने के लिए वो थूक देता है, मार देता है, नोच देता है और कुछ कुछ करने लग जाता है। तो वही था वो अभी का। और मैं एक्चुअली इधर कैमरा में बात कर रही थी और उसके पापा भी फ़ोन में लगे थे, अपने फ़ोन में लगे थे, तो उसको लगा कि मेरे तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा थूक के भाग जाता हूँ, फिर मेरी तरफ ध्यान देंगे। बच्चों का ना अलग ही होता है। तो मैं जा रही हूँ, मेरे बेटे का वही है, टेंशन पाने की कोशिश में रहता है वो। और क्या बोल रही थी, कल बहुत भीड़ होने वाली है घर पे, घर वाले आने वाले हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद हमारे घर में कोई आ रहा है, घर वाले ही हैं, बाहर के मेहमान नहीं हैं, मेरे घर वाले ही हैं, तो आई होप कल आ ही जाएं। आज तो बात घर पे बात हुई है, हम लोग आना चाहते हैं, उन्होंने बताया, फिर ये लेने के लिए जा नहीं सकते ना तो बस में ही आ रहे हैं, देखते हैं कल क्या होता है, अगर हो पाता है तो बाइक में ही छोड़ देंगे हमारे देवर बाबू या फिर बस में आएंगे। गाइस आप सबसे बात करते करते ना मेरी आटा गूंथ चुकी है, देख सकते हैं आटा ही गूंथ रही थी ना, और हम अभी बाहर गए थे ना तो गुपचुप खाया था, इसलिए आज काफ़ी लेट हो गई है खाना बनाने में। बस रोटियां बनाऊंगी और बनाऊंगी तो चटनी बनाऊंगी या फिर दूध में डिप करके हम खा लेते हैं पराठे। तो ओके चलो मैं बनाने चलती हूँ। और ये बात आप सबको बतानी थी ना, तो मैं बताई आप सबको, और कल की वीडियो जब भी आएगी इसके इस ब्लॉग के बाद में ही आएगी, तो आप सभी वीडियो को फुल वॉच जरूर करें और कमेंट सभी वीडियो पे कर दिया करें ना फ्रेंड्स प्लीज़। हाँ मैं विश कर रही थी ना शिवरात्रि का, तो शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, भोलेनाथ जी आप सबके जीवन में खुशियां बहुत सारी दें और हमेशा आप सब में दुराते रहें, दुख का सामना ना करना पड़े, बहुत सारा हिम्मत मिले। और आप सभी मुझे दुआ कर दीजिएगा, गुड विशेस दे दीजिएगा मुझे और मेरी प्यारी सी फैमिली को, तो हमारी मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत सारी गुड विशेस। ओके तो चलते हैं बनाने के लिए, बहुत रात हो चुकी है। लास्ट में मैं फली को रोस्ट कर रही थी बाबू के लिए,
सूखी ऐसे ही भून रही थी इसको छिलका के निकलते तक, और इसको एक 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 निवाले में मुझे अपने बेटे को खिलाना पड़ता चावल के साथ में, तो इसलिए मैं इसको भून रही थी। और फ्रेंड्स आज की छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो आप सभी को। जय श्री कृष्णा और महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।